दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है वीवो V30 Lite 5G। ये लॉन्च हो गया है 12 GB रैम के साथ, 644 वाट का फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। आप देख रहे हैं कि ये, अगर मैं आपको बैक कैमरे का एक बार आपको याद दिलाऊं कि बिल्कुल फिनिशिंग है जो कि प्लास्टिक बॉडी से है। हालांकि हम उम्मीद कर सकते थे कि इसकी लेदरिंग फिनिशिंग मिले, लेकिन यहाँ पे 4 वर्टिकल्स एक चारों तरफ से बैठाया गया है और उसके बीच में कैमरे फिट किए गए हैं। साथ में रिंग का LED फ्लैश है और LED फ्लैश के दूसरी जगह पे है। दो कैमरे नज़र आ रहे हैं, सामने तीसरा कैमरा छोटा सा नज़र आ रहा है, बाद में आपको LED फ्लैश है, बाकी रिंग लाइट नज़र आ रही है। हालांकि नीचे की सबसे तरफ अगर देखेंगे तो वीवो की ब्रांडिंग नज़र आ रही है, जो कि इंटेलिजेंट नाम से रिट्रो कैन लूज दे और इंटेलिजेंट फ्रेंचाइज है। लेकिन यहाँ पे बता दूँ, ये जो वीवो V30 लाइट 5G है, काफ़ी कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, जैसे डिस्प्ले से शुरुआत करने से 6.67 इंच की कवर्ड एमोलेड E4 डिस्प्ले आ रहा है। सेंटर में पंच होल कटआउट के साथ 50 MP का सेल्फी कैमरा फिट किया गया है। 1150 के निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, 394 PPI पिक्सल डेंसिटी दी गई है। ये स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट पे बनी हुई है, जिसके साथ में 12 GB LPDDR4X रैम और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है। कैमरे की बात करूं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 50 MP का सेल्फी कैमरा है, 64 MP का मेन कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का माइक्रो कैमरा। फ़ोन में 4800mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। एंड्रॉयड 13 के साथ फन टच OS 13 पर ऑपरेटेड है। और कनेक्टिविटी की बात करूं तो 5G हर्टेज, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, NFC, GPS, USB टाइप सी, USB-C पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, साथ में ये IP54 रेटिंग भी दी गई है। डिवाइस में डायमेंशन काफ़ी, वजन काफ़ी कम है। प्राइस को लेकर बात करूं तो यहां बता दूं कि ये आपको सबसे कीमती नहीं कह सकते और अंडर बजट तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। हालांकि ये जो मैक्सिकन जो वहां पे लॉन्च हुआ है, उनके प्राइस से 9,000 मैक्सिको पेसो में लगभग, अगर इंडिया में कन्वर्ट करें 44,000 रुपये के आसपास में है। फॉरेस्ट ब्लैक और रोज़ गोल्ड जैसे कलर के ऑप्शन में ये दोनों फ़ोन लॉन्च किए गए हैं। इसे एशिया में कुछ मार्केट्स में भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद बताई जा रही है, हालांकि ये चीज़ कन्फर्म नहीं किया गया है। यहाँ पे बता दूँ 12 GB रैम के साथ है, काफ़ी कमाल है, जो टॉप एक वेरिएंट में अभी भी ये सामने आ रहे हैं। हालांकि जो रोज़ गोल्ड में है काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि आप देख रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये इंडिया में कब कैसे आएगा अभी तक कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं किया गया, लेकिन जल्द से जल्द लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक, वीडियो पसंद आ जाए जब लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।